एक दिन मैं रास्ते पर आराम से जा रहा था, मुझे एक गिरा हुआ आदमी मिला। उसे मैंने उठाकर जल्दी जल्दी डॉक्टर सारुखे के पास ले आना सही समझा। फिर उन्होंने कुछ बताया हमें कि इसे एक इनविजिबल बुलेट से बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। तो भाई, इनविजिबल बुलेट से कोई कैसे मर सकता है? फिर अपने एससीपी प्रत्युमन कुछ बोलते हैं हमें। ये लड़का किसकी बात कर रहा है? अरे टिकटॉक वाले कैसे मार सकते हैं, क्योंकि ये तो टट्टी है। भाई लोग, आप लोग ने तो दुनिया में तरह तरह के जोकर्स को देखे होंगे जिनको देखकर आपको हंसी आती होगी, पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले कुछ इस प्रकार के जोकर्स की जिनको देखकर तो आपको डेफिनेटली हंसी आएगी और उनका नाम सुनकर यार आपको डबल हंसी आएगी क्योंकि हम लोग उनका लगाने वाले हैं वाट। तो चलो अपने चलते हैं कॉमेडी के। ओ भाई, बहुत ही डरावना, इसको देख के तो मैं पूरी तरह से डर गया है यार। मतलब कि अब डर का दूसरा नाम भाई ये चेहरा होने वाला है आज के दुनिया में। तो भाई लोग, ये वीडियो भाई टिकटॉक की है, इसका मतलब यार ऐसे चेहरे भाई टिकटॉक पर और भी बने होंगे। टिकटॉक की वीडियो है भाई तो टिकटॉक पर तो और भी चेहरे बने होंगे ना यार ऐसे ही। तो चलो यार उन वीडियोज़ पर भी थोड़ी नज़र डालते हैं हम लोग, क्या पता और कोई टैलेंटेड चेहरा निकल जाए उस वीडियो में भी। अबे ये खून पीने वाला दरिंदा कहाँ से आ गया यहाँ पर? ओ सॉरी सॉरी, टिकटॉक का रोस्ट कर रहे हैं भाई, तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा। ओके तो भाई लोग, इस ज़बरदस्त शकल के लिए यार हम लोग इनको नवाजने वाले हैं दी बाल्टी पुरस्कार से। तो भाई लोग, बाल्टी पुरस्कार के लिए जल्दी से उस बंदे को लाया जाए। अरे अब ये कौन आ गया यार, इसको निकाल भाई, ये वो नहीं है। ओ भाई वो चेहरे वाले को ला, चेहरे वाले को बुला उसको, ये नहीं है भाई वो। तुम लोग को क्या लगा ऐसे नथु कह रहे को हम लोग बाल्टी पुरस्कार दे देंगे? भाई इतना महंगा है भाई वो अवार्ड, खरीद के लाए हैं हम लोग, ठीक है तो उसको भाई हम लोग उस चेहरे वाले को ही देंगे, ठीक है तो उसको पकड़ के जल्दी से लाओ। हाँ अब आया ना भाई बंदे लाइन पर, यही है भाई, यही है वो बंदा, इसी को बाल्टी पुरस्कार देना। तो भाई पकड़िए अपने बाल्टी पुरस्कार, होल्ड द गोल्ड। अरे भाई बहुत बढ़िया यार, आपको देकर बाल्टी पुरस्कार तो आज भाई धन्य हो गया जिंदगी। और इस बंदे को यार बस यही बोलना चाहूँगा, मैं बस बॉलीवुड के हॉन्टेड फिल्म के डायरेक्टर से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई इतने टैलेंटेड फेस को यार क्यों रखे हो यहाँ पर, भाई बुलाओ इनको फिल्म में ले जाओ यार, फिल्म में रियली बहुत चलेगी और फिल्म की आधी कमाई तो भाई ये सॉन्ग ही दे देगा। तो भाई लोग, पिछले वीडियो में तो हमको एक दरिंदा मिल गया था, तो क्या पता इस वीडियो में हमको एक परिंदा देखने को मिल जाए। तो चलो यार इस वीडियो को भी देखते हैं और चालू करते हैं अपना वाट लगाना। ओ तो यहाँ पर भाई एक परिंदा है एक परिंदी है, दोनों के बीच लगता है कुछ बातचीत हो गई है अच्छी वाली, इसके कारण से ऐसा कुछ माहौल बना हुआ है। अरे भाई मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आया कि भाई ये बगल में भाई लड़की रो क्यों रही है, किस कारण से रो रही है भाई ये बता दो। अरे तेरे को क्या लगता है, सही में लड़की रो रही है? सही में रो रही है? अरे भाई ये टिकटॉक की लड़की है, इनको रोने के लिए भाई कोई कारण की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना भाई, मगरमच्छ के आंसू होते हैं इनके। ओ तभी तो मैं बोलूँ। अरे भाई कुछ बोलने करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही होता है यहाँ पर यार सब चीज़ तो ठीक है भाई, लेकिन एक चीज़ बताओ यार, ये मान लेते हैं लड़की सच में रो रही है, फिर भी यार ये पीछे दो लौंडे क्या कर रहे हैं भाई? अरे भाई आपको पता नहीं क्या, अरे तो वही लौंडे हैं जो कि दूसरों के शादी में जाकर हाथ में मोबाइल लेकर यार हर जगह बैठ कर सेल्फी खिंचाते रहते हैं। और हाँ हाँ हाँ, ये तो ये भी करते हैं ना भाई दूसरे के शादी में जाकर। ओके भाई, एंडिंग में यार ये लड़का हाथ में तो हाथ तो दे दिया, लेकिन भाई जाने का स्टाइल कौन सा यार, ऐसा ये क्यों कर रहा है भाई? मूवी के एंड में हीरो ऐसे मुंह उठा के चला जाता है, इसकी कोई खास वजह नहीं होती, समझ लो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ओ भाई इस क्लिप ने तो भाई इस बंदे की जिंदगी और जज्बात को पलट के रख दिए होंगे यार।
भाई आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना, ये जो ट्रेंड है भाई वो वायरल फीवर की तरह पूरी तरह से फैल रहा है, तो इससे बचने के लिए यार इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरी तरह से ज़रूर देखना भाई। अगर कोई बंदा हाथ में मोबाइल लेकर कुछ ऐसा कर रहा है तो उससे समझ जाना भाई उसे हुई है जोक्रो टिकटॉक सोफिया बीमारी हुई है भाई, तो उससे ज़रा दूरी बना लें ज़रूर। अगर भाई आप इन लोगों से दूरी नहीं बनाएंगे तो आपको भी ये बीमारी लग जाएगी और अगले दिन टिकटॉक पर आपका ऐसा ही कुछ वीडियो यार वायरल होता रहेगा और भाई यूट्यूब पर भाई रोस्टिंग की आपकी वीडियो वायरल होती रहेगी, तो भाई इससे जरा बच कर रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें सही वक्त सही कदम सतर्क रहें। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। ओके भाई चलो इस वीडियो को एक बार और देखते हैं, कुछ मेरे को डिफरेंट लग रहा है इसमें। ओके बंदा मुंह में लिपस्टिक लगाया हुआ है, अब लगता है इसको मुंह का लिपस्टिक कुछ पसंद नहीं आया, कुछ अच्छा डिजाइन देना का सोच रहा है, तो इसने लिपस्टिक को भाई एकदम बहुत अच्छे तरह से टॉर्चर किया है। इसके बाद लिपस्टिक ने भी बोल दिया भाई बस कर और दांत दिखा दिया अपने बहुत सारे। अरे यार ये मतलब ये कौन सा तरीका है भाई लिपस्टिक लगाने का, मतलब कुछ भी कर लो यार। ओहो सॉरी भाई, ये तो टिकटॉक के लोग हैं ना, मतलब ये जो भी चीज़ करते हैं यार वही सही तरीका होता है करने का, इसीलिए यार अपने को ऐश्वर्या राय को बताना पड़ेगा यही सही तरीका यार, ऐसे ही लिपस्टिक लगाना चाहिए। तो चलो यार उनको बताते हैं हम लोग। नहीं मैडम ये आप बिल्कुल गलत कर रही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ये सही तरीका नहीं है। ये सही तरीका तो ये है, इनको देखिए ये कितनी अच्छे से एकदम तहजीब से लगा रहे हैं। मैं तो हर लिपस्टिक बनाने वाली कंपनी से ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उनको यार अगर लिपस्टिक का एडवर्टाइजमेंट करना है तो ज़रूर इनको ले, क्योंकि अगर ये एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो रियली आपकी सेलिंग जो है वो आसमान छू देगी। और उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना सेलिंग ज़रूर बढ़ाना चाहते हैं तो टिकटॉक के लिए भी एक केजी के भाव में बिकने वाला लिपस्टिक ज़रूर लॉन्च करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सेलिंग यार रातों भर में बढ़ जाएगी और आपका जो CEO है वो भाई जेफ बेजोस को ही पीछे छोड़ने वाला रात भर में, तो ऐसा ज़रूर करना। भाई एक मिनट, ये आखिर बच्चों से मांग क्या रहा है यार, मेरे को लगता है भाई इसका चेहरा देख के लग रहा है भाई कि ये बच्चों से कुछ अच्छी चीज़ की गुजारिश कर रहा है, बच्चों की सबसे कीमती चीज़ ये मांग रहा है यार उनसे लग रहा है। तो भाई चलो यार इस वीडियो में यार उसका जो वीडियो है ना उसका म्यूज़िक हटा के यार उसका जो वॉइस होता है उसको सुनते हैं, देखते हैं भाई वो क्या मांग रहा है बच्चों से, अगर हम लोग को पता चल जाएगा। बच्चे क्या तेरे पास लॉलीपॉप है? नहीं है। बच्चे क्या तेरे पास लॉलीपॉप है? नहीं है। अरे बच्चे तू तो लॉलीपॉप दे दे यार, दे दे ना मेरे को। भाई देखो यार ऐसा चीज बच्चों से मत मांगा करो, उनके भाई रियली दिल टूट जाएगा यार, उनके लॉलीपॉप तुम लोग मांग ले तो यार। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। चलो और आगे देखते हैं भाई ये और क्या चीज की गुजारिश करता है भाई बच्चों से, मैं भी थोड़ा देखना चाहता हूँ इस वीडियो में और क्या होता है आगे। तू मुझे जोकर बनाना चाहता है? अरे मैं तो हुई जोकर। और एक बात, तू पता पूछ रहा था ना, हाँ तुझे मैं पता बताता हूँ, देखेगा। भाई एक मिनट यार, ये बात तो तूने बोला भाई कि मैं जोकर हूँ, ये तो हजम होती है भाई, लेकिन यार तू एक बार बता, तू भाई पता बता रहा है या दिखा रहा है भाई? ओके मतलब मैं अभी करी यार कन्फ्यूज हूँ, तू बोलता है यार मैं पता बताता हूँ, यार देख ले ये ले देख ले मेरा पता देख ले बोलता है, मतलब यार तू एक्चुअली में कहना क्या आता है भाई, मतलब कि कहना क्या आते हो भाई तुम? ओके और चलो भाई जो भी है दिखा रहे हो बता रहे हो जो भी कर रहे हो ठीक है, वो बात तो भाई समझ में आता है, चलो तुम्हारी आदत है। ओके पर यार एक बार बता देना मेरे को, वीडियो के आखिरी में यार तुम लोग ऐसा वीडियो में के आखिरी में भाई ऐसा चेहरा क्यों बनाते हो यार, मतलब कि मेरे को भी समझ में नहीं आया, पता बताना भाई सीधे से बता दे, दिखाना भाई तो दिखा दे, लेकिन यार ये चेहरा बनाने का मतलब क्या होता है मेरे को भी समझ में नहीं आया। तो चलो यार हम लोग क्या करते हैं कुछ इनसे कुछ सवाल पूछते हैं और देखते हैं भाई इनकी फिर वैसे ही जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, और भाई अगर ऐसा जवाब देंगे ना तो हम लोग इनको सुधारने की कोशिश करेंगे, इनका ये जो आदत है ना चेहरा बनाने का उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलो यार एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या है भाई, जानने में क्या आता है अपना। चल तो पहला सवाल बहुत ईजी है, आप बता सकते हो आराम से ठीक है, तो भाई बता दे यार ये कौन है? चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं भाई, अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं यार, इसमें तो एकदम अच्छे से बता देना भाई, इस आदत को ख़त्म करो यार अब अच्छा नहीं लगता। चलो यार अब मैं दूसरा सवाल आपको पूछने वाला हूँ। अब यार मतलब कि इसमें भी तूने सेम जवाब दिया यार, मतलब
भाई तू आदत नहीं छोड़ेगा लग रहा है मेरे को। चल अब तेरे को भाई तेरी जीप से बात कराते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पर यार तू ऐसा करता है तो भाई रियल यार धिक्कार है तेरे ऊपर, ठीक है। चल चल भाई बात कराते हैं, फोन लगाया जाए भाई। अब भाई बस अब तू जाके यार मार खाने वाला जबरदस्त। ओके इस वीडियो को अगर तेरी जीप देख ली थी भाई तू इतना कूटेगी, तेरे को इतना कूटेगी ना तू भाई समझ नहीं सकता। ओके तो भाई इसकी इस हरकत के लिए यार तेरे को जो इनाम मिलेगा ना भाई वो तो मैं नहीं दूंगा। ओके वो तो कोई और ही देगा, तेरे को पता कौन देगा। ओके तो चलो यार अब मेरा दिमाग सही में सटक रहा है। अब मैं इंडिया का सबसे फेमस क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, अगर तू उसका आंसर नहीं दिया ना तो भाई तू देख लेना तेरे पास साथ क्या होगा यार, तू देख ही लेना। ओके तो चलो यार देखते हैं, आंसर पूछ ही लेते हैं। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है यार, मतलब कि इसमें भी सेम। अरे भाई अरे यार ओ भाई क्या कर रहा है यार तू। अरे भाई क्यों रुला रहा है भाई, मतलब कि तेरे को सुधारने की कोशिश कर यार, तू सुधरता ही नहीं भाई, मतलब क्या बोले यार तेरे को। अरे मैडम जी वो बोलता ही तो नहीं है, क्या करें यार। चलो फाइनल फाइनल भाई फाइनल चीज बता रहा हूँ आप, फाइनल चीज अपने हिंदुस्तानी भाव तेरे से पूछेंगे। ओके अगर भाई उनका बात का तू रिप्लाई करता है ना, उनका बात का अगर तू रिप्लाई किया तो भाई तू समझ जाना तू भाई कभी सुधर नहीं सकता। ओके तू कभी नहीं सुधर सकता। चलो भाई तू पूछ लो हिंदुस्तानी भाव, हिंदुस्तानी भाव जी पूछ लीजिए आप। वो भाई बोला नहीं यार, मतलब आखिर यार कोई कैसे हिंदुस्तानी भाव को रिप्लाई दे सकता है। सही बात है यार, कोई कैसे कर सकता है ऐसा, ये भी नहीं कर सका भाई। बड़े बड़े कुत्ते नहीं भोगते यार हिंदुस्तानी भाव के सामने। ओके भाई तू तो यार टिकटॉक का जोकर था, तू कैसे बोल सकता था कुछ। ओके भाई एक बात मेरे को खटक रही है यार, वीडियो एंडिंग होने वाली है पर अभी तक मैंने भाई उस बंदे को नहीं पकड़ा जिसने भाई इनविजिबल बुलेट्स उस बंदे की यार हत्या कर दी थी मार के। ओके गोली मार के हत्या कर दी थी भाई, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया, तो भाई कब पकड़ेंगे यार उसको। चलो यार देखते हैं, अगर नेक्स्ट वीडियो में पकड़ा जाता तो बहुत बड़ी बात है। ओ भाई पकड़ा गया यार, पकड़ा गया जिसको ढूंढा गली गली वो जहाँ के यहाँ मिली, मतलब सॉरी मिला। अरे यार पकड़ लिया आखिरकार, पकड़ लिया। अब बिना लेट किए हुए इसे सीआईडी के हवाले करते हैं। एफबीआई सर प्लीज़ थोड़ा देर रुक जाइए, मेरे को एक सवाल पूछना है इससे। ओके भाई बता दो यार ये जो गोली मारने वाला जो तरीका है, मतलब कि हाथ से गोली मारने वाला जो तरीका है तुम्हारा जो यूज़ करते हो भाई, इसको तुम सीखे कहाँ से हो यार ये बता देना। और भाई तुम इसे कर कैसे लेते हो यार, बता दो ना यार, रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई बता दो। ठीक है भाई आप नहीं बताएंगे तो चलो हम लोग हमारे जो क्रेज़ी भाई है वो बता देंगे। क्रेज़ी भाई आप बता दीजिए ये ऐसा क्यों करते हैं। ओ इसीलिए क्या, अरे भाई मेरे को वही पता नहीं चल रहा था भाई ऐसा करते कैसे यार इन लोग। ओके भाई लेकिन आज तो तुम एफबीआई से बच नहीं सके, पकड़ा ही गए। पर यार आज टिकटॉक के नेता यार आप लोग के ऊपर काफ़ी दुखी होंगे, चलो यार उनके शब्द भी सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। ओ भाई टिकटॉक के नेता तो यार रियली काफ़ी ज़्यादा एंग्री लग रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। ओके चलो छोड़ो यार क्या करें, अब ऐसा हरकत करेंगे तो यार यही तो सुनना पड़ेगा। ओके भाई लोग मेरा भी काफ़ी समय से एक इच्छा था कि भाई मैं भी यार ऐसा शकल बना के एक बार देखूं क्या। चलो यार एक बार बना के देखते हैं क्या होता है, कैसे बनाते हैं यार, मेरे को भी एक बार ट्राई करने का मन कर रहा है। ओके तो 1 2 3 अब तो मुझे पता चल गया भाई ये हमसे ना हो। भगवान भगवान आप ही अब हमको बता सकते हैं यार ये आखिर करते कैसे हैं यार उन लोग। भाई मेरे को भी एक बार करके ट्राई मारना था पर यार हो गया गले में फ्रैक्चर, क्या करूं मैं बताओ मेरे को प्लीज़, क्यों नहीं कर सकता मैं। बच्चे तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें टिकटॉक का रोस्ट करने का जुनून सवार है ना कि टिकटॉक बनाने का, इसीलिए आइंदा ऐसा गलती से भी मत करना नहीं तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा।
ओके भाई लोग, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। भगवान कहना चाहते हैं मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।